हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और गुप्ता जी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप एलईडी लाइट देखकर भागिएगा मत, क्योंकि आज मैं इसको रिपेयर नहीं करने वाला हूँ, इससे कुछ एक अनोखा गैजेट बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम एक इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं, फिर से वीडियो देखकर मत भागिएगा, क्योंकि हम नॉर्मल इमरजेंसी लाइट नहीं बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, टच वाली इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। मतलब कैसे कि यहाँ पास फ्रेंड्स, यदि आप टच करते हैं तो ये जलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जलने लगेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन करने के बाद हमको क्या दिखता है, इसके अंदर का सारा कबाड़ा हमको निकाल दिया था पहले से। अब हम इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर सर्किट लग रहे थे उसको निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका सर्किट निकाल दिया है। सर्किट निकालने के लिए मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, गैस चूल्हे के पास ले गया इसको और इधर से इस तरह सेक दिया, तो इधर से अपने आप ये निकल गया फ्रेंड्स, और प्लास्टिक की मदद से मैंने पकड़ के खींच दिया तो निकल गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मेरी गलती से इस पर होल करते वक्त ये भी निकल गया फ्रेंड्स, इसके ऊपर का ये निकल गया, बट कोई बात नहीं, हम इसको चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब इस टाइप की बैटरी लेनी है और इसके अंदर इसको फिट करके देखना है फिट होता कि नहीं। नहीं हो रहा था फिट, तो मैंने इधर से थोड़ा सा इसको चांस दिया है हथौड़े और पेचकस की मदद से, तो ये अब हमारा फिट होने लगा है। नहीं, हमको क्या करना है, एक वायर इधर से सोल्डिंग करके एक साइड से निकाल देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर वायर कनेक्ट कर ली है। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, हमको एक वायर ले लेनी है, एक एक्स्ट्रा वायर ले लेनी है और एक साइड होल से हमको निकाल देना है और यहाँ पे सोल्डिंग कर देनी है। और देन हमको क्या करना है, ये बैटरी वाली वायर को लेनी है, दूसरे होल से निकालना है और उसको भी इधर जोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस वायर को अलग से निकाल लिया है, तो यहाँ पर हमको इसको सोल्डिंग कर देनी है और हमको वायर को पूरी एक्स्ट्रा जो वायर रहेगी उसको काटना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पर कागज़ लगा दिया है जिसमें से ये बैटरी हमारी हिले नहीं। और यहाँ पास मेरे पास एक एलईडी लाइट है, इसको हम इस पर फिट करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने छोटी सी वायर को ज्वाइंट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, ताकि हम इस पर सोल्डरिंग कर सकें इस एलईडी लाइट को। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लूगन की मदद से इधर पे बैटरी पे लगा देता हूँ ग्लूगन और इसको चिपका देता हूँ हमारी एलईडी लाइट को फ्रेंड्स, इस होल से पास करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव को ज्वाइन कर देंगे। नेगेटिव थोड़ा छोटी पड़ रही थी, उसको हम बड़ी करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पास फ्रेंड्स, ये हम इसको टच करते हैं, ये हमारा एलईडी लाइट जलने लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, टच करने पर ये जलने लगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ऑटोमेटिक वाला भी बना सकता था जो कि असली में टच करने से जले, बट यहाँ पे फ्रेंड्स उसमें उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, जुगाड़ कौन करे फालतू से। हम सिंपल सा जुगाड़ कर सकते, जब फ्रेंड्स हमारा सस्ती में हो सकते तो हम क्यों महंगा चीज़ लगा के हम इसको सेंसर वाला बनाएं या फिर ज़्यादा मतलब महंगा वाला खर्च करके बनाएं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस उतना ही वर्क कर रहा है फ्रेंड्स टच करने पर। ये देखिए सिंपल, हम क्यों सेंसर लगाएं, क्यों ज़्यादा महंगा बनाएं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जुगाड़ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, इसको मैं पैक कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप इसको रिचार्जेबल बना सकते हैं कैसे, आप यहाँ पे एक वो चार्जिंग पोर्ट सेट कर सकते हैं और आप इसको रिचार्जेबल बना सकते हैं। मैंने रिचार्जेबल नहीं बनाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ब्राइटनेस के साथ चल रहा है। इसके मैं टेस्टिंग नाइट में दिखा देता हूँ।